नमस्कार दोस्तों मैं राज्य मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति सभी लोगों का वेलकम भाई सभी लोगों को राधे राधे सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एक बार जरा जल्दी से नींद से जाग जाओ प्रॉपर तरीके से आज हम लोग बहुत कुछ क्लासेस में करने वाले हैं और साथ में आज मैंने जान के स्टैटिक बूस्टर रखा है ठीक है तो सभी लोगों को राधे राधे गुड मॉर्निंग बादल सोनी जी निधि तिवारी अभिषेक तिवारी सभी लोगों को नमस्कार सभी लोगों को राधे राधे पूरा सेशन देखना है और मुझे लास्ट में बताना है कि आपने इस सेशन में क्या क्या बेनिफिट्स आपने उठाए ठीक है एक बार ये ओपन कर दो तो ना सर सामने वाला स्क्रीन उसका ओके चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं और ये हमारे यहाँ सेशन में हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एम्सिक्यूज़ रहेगा उसके बाद कुछ राष्ट्रीय समाचार रहेगा कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार रहेगा कुछ आर्थिक न्यूज़ रहेगी कुछ स्टैटिक बूस्टर्स रहेगा और लास्ट में कुछ होमवर्कस भी रहेंगे ठीक है तो बहुत ही प्यारी कोर्स से मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन यूर लाइफ चेंज द वे नॉट द इंटेंसन यानी अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अपने तरीके को बदलिए ये नहीं कि आप जो चाहते हैं आप उस इंटेंशन को ही चेंज कर दो अगर वो चीज प्राप्त नहीं हो रही है ठीक है समझ रही बहुत बड़ी बात है दोस्तों मतलब मेरा कहने का सिंपल सा तरीका है जैसे मान लो मुझे इस इस साल जॉब लेनी है और किसी कारण से जॉब नहीं हो पा रही हम बहुत मेहनत कर रहे हैं चीजें नहीं हो पा रही तो आपने तरीके को चेंज करिए अपने तरीके में देखिए कि कहा मेरी लैकिंग है उस तरीके को हम आ, समझ नहीं पा रहे हैं जो आप में वीकनेस है है ना आप बार बार मेहनत कर रहे हैं नहीं हो पा रहा तो रिलैक्स होइए और देखिए कि कहां पर लैकिंग हो रही है ये नहीं कि आप चलो हम कुछ दूसरा काम कर लेते हैं ये नहीं कभी भी अपना इंटेंशन चेंज नहीं करना है है ना कभी भी आपका जो मंजिल उस मंजिल को जरूर प्राप्त करना बस उसका तरीका बदलिए किस कारणों से तरीके को फुलफिल आप नहीं कर पा रहे ठीक है सभी लोगों को राधे राधे सभी लोगों को गुड मॉर्निंग

एस की वैकेंसी आ गई गईसी की वैकेंसी आ गई मतलब आराम करने का समय नहीं है दोस्तों ये लोग आराम कर रहे रिलैक्स नहीं होगा कि यार एग्जाम दे दिया हमने यूजीसी का रिलैक्स हो गया स्टैनो का ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना सभी लोगों को सेशन में जोड़िए जल्दी से सभी लोगों को बताइए सेशन स्टार्ट हो चुका है ठीक है टू तो एवरीबडी फटाफट बेटा फटाफट एकदम जल्दी से चलिए तो हम लोग जरा समझते आज तारीख है तेईस तारीख तेईस मार्च बहुत ही खास दिन है देखेंगे पहले हम लोग कल के डेट को देखें क्योंकि कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था <coughs> कल हम लोग ने 22 मार्च को कल हम लोग ने 22 मार्च को पता होगा हर साल मनाते हैं विश्व जल दिवस मनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसका थीम पूछता है तो थीम क्या था 2022 का अगर मैं बोलूं तो थीम था ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर इनविजिबल विजबल ये थीम था 22 मार्च का दोस्तों याद रखना ये एग्जाम में बहुत बार आता है और कहीं ना कहीं हम पानी को प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है टू एवरीबडी ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वन कल एक और बहुत इंपॉर्टेंट दि अगर मैं बोलूं आज तारीख हमारी तेईस है और तेईस तारीख को हम लोग मनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दिवस जिसको हम लोग कहते हैं याद रखना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो हम लोग हर साल 23 मार्च को मनाते हैं और याद रखना ये 23 मार्च जो मनाने के लिए प्रेरित करता है वो हमें करता है डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बोलूं जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और ये लगातार हम लोग उन्नीस से मना रहे हैं ये हम लोग लगातार उन्नीस से हम लोग इसको मना रहे हैं टू एवरीबडी इसको हम लोग लगातार उन्नीस सौ पचास से क्या कर रहे हैं मना रहे हैं ठीक है थीके? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है जिनेवा में है, ठीक है और कहता है डब्ल्यू एमओ में यूनाइटेड नेशन यानी कि का ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये यूएनओ का ही एक पार्ट है ठीक है, है जो बेसिकली मौसम विज्ञान पर सब चीजों पे ध्यान देता है फॉलो करता है ठीक है <coughs> कहता है पहली बार जो फर्स्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था वो किया था 23 मार्च 1961 को द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये इसमें वर्तमान में याद रखना 193 मेंबर हैं भाई जितने यूएनओ में मेंबर में में रहेंगे उतने इसमें मेंबर में रहेंगे ये बात बिल्कुल सही बात रहेगी और इस बार इसका जो थीम है दोस्तों 2022 का जो थीम है हम लोग को जो थीम याद करना होता है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन यानी अगर मान लो कुछ भी सुनामी आ गया कुछ भी हो गया बेसिक बेसिकली उसी से प्रेरित यह है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन दिस इज कॉल इस साल का ये थीम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मुझे बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके आज 23 मार्च को एक और भी बहुत खास दिन है वह दिन कौन सा है मुझे बताओ जल्दी से हम्म hmm. बेटा सभी लोगों को राधे राधे सभी लोगों को गुड मॉर्निंग आराम करना नहीं है किसी को भी मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी लोग बहुत प्यार तरीके से जाग जाओ क्योंकि याद रखना जितने आप मेहनत कर रहे थे उसी तरीके से रफ्तार से कैरी ऑन करो जहां रिलैक्स आप हो गए ना सब चीजें डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी सभी लोगों को राधे राधे चलिए तो आज आपको अगर मैं बताऊं आज बहुत खास दिवस है आज हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो हर साल पता होगा आपको तीस जनवरी को हम लोग मार्टर डे तो मनाते ही हैं जब गांधी जी की पुण्यतिथि होती है तीस जनवरी को है ना बट याद रखना आज ही के दिन शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी और आज ही के दिन हम लोग इसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तेईस मार्च को इवन पंजाब में भी सरकार ने इस दिन छुट्टी कर दी दिस इज कॉल पब्लिक हॉलिडे भी कल ही जो भगवंत मान वहां के नए मुख्यमंत्री उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग हर साल 23 मार्च को छुट्टी डिक्लेयर करेंगे पब्लिक हॉलिडे पंजाब में दोस्तों ठीक है चलिए कहते हैं कल का दिन बहुत खास था कल बाईस मार्च था और बाईस मार्च को बिहार ने अपने एक साल पूरे कर लिए 22 मार्च को 110 साल बिहार ने पूरे कर लिए 1912 को 1912 में ही बंगाल से अलग होने के बाद यह एक अलग स्टेट बन गया बता होगा आपको पहले बंगाल में ही सारे स्टेट शामिल थे अगर मैं बोलूं झारखंड बिहार सब उसी में शामिल था बट 1912 में इसको अलग किया गया और इसका एक अपना दर्जा दिया गया बिहार है ना बिहार को 110 साल हो गए जरा इसको हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से कहते हैं आ, बिहार दिवस या बिहार दिवस अगर मैं बोलूं राज के गठन को चिन्हित करने के लिए हर साल हम लोग 22 मार्च को पूरे राज्य में इसे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है 1912 सौ से अलग हुआ था ब्रिटिश ने इसको अलग किया था और इस वर्ष का जो थीम है जो कल थीम मनाया गया है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है जल जीवन जल जीवन हरियाली जल जीवन हरियाली जल जीवन हरियाली ये बिहार दिवस का थीम था बेटा बिहार दिवस का क्या था ये थीम था दोस्तों चलिए कुछ जरा हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं बिहार से रिलेटेड कहते हैं बिहार की केवल ग्यारह दशमलव तीन प्रतिशत आबादी भाई जितने बिहारी वाले जरा ध्यान सुनिएगा ग्यारह दशमलव तीन प्रतिशत जो आबादी है सिर्फ शहरों में, में रहती है जरा सोचो यानी कि सारी जनसंख्या कहां रहती है गांव में रहती है ठीक है जो हिमाचल प्रदेश के बाद देश में सबसे कम है यानी कि जरा सोचो पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो कम लोग रहते हैं शहरों में उसमें हिमाचल प्रदेश का नाम है और दूसरे पर हमारा कौन है बिहार यानी ज़्यादा लोग यहाँ ग्रामीण में रहते हैं दोस्तों ठीक है अगर मैं बोलूं दूसरा फैक्ट अगर मैं देखता हूं तो क्या है याद रखना बिहार में किसी भी भारतीय राज्य में बिहार में किसी भी भारतीय राज्य में युवाओं का अनुपात सबसे अधिक है लगभग वहां की जनसंख्या जितनी भी है उसका करीब फिफ्टी परसेंट बिहारी की उम्र पच्चीस वर्ष से कम है मतलब वहां पर यंग लोग ज्यादा हैं वहां की जो यंग लोग हैं वो पॉपुलेशन की टोटल का वो लोग ज्यादा हैं यानी वहां पर बुजुर्ग लोग कम है मुझे दो चीज बता दो जरा जल्दी से कि बिहार में अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है मुझे बताओ जल्दी से और मुझे बताओ बिहार में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है जल्दी से बताओ सारे विद्यार्थी यस hmm. yes, बिल्कुल फगु चौहान बिल्कुल सही बात है फगु चौहान जो है बिल्कुल फगु चौहान जो है वो वहां के गवर्नर हैं वो वहां के गवर्नर हैं और आपको बताना है कि जो फगु चौहान वो तो गवर्नर हैं वहां पे मुख्यमंत्री कौन है वहां पे मुख्यमंत्री कौन है टू एवरीबडी हम्म वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है टू एवरी तो जो मुख्यमंत्री हैं एक तो हमारे नीतीश कुमार जी हैं बेटा सभी लोगों को राधे राधे एक तो हमारे नीतीश कुमार हैं और वहाँ पर और भी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनके नाम मुझे बताओ जल्दी से टू एवरीबडी उनका नाम क्या है उनका नाम क्या है बहुत अच्छा एक तो आसान सभी लोगों ने बता दिया एक तो सभी लोगों ने बता दिया बाकी बताओ जल्दी से चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट वन आज का पहला क्वेश्चन बिना ऑप्शन के आज का पहला क्वेश्चन बिना ऑप्शन के आपको बताना है इसका आंसर आज का पहला क्वेश्चन बिना ऑप्शन के आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा टू एवरीबडी कहता है आपको बताना है कौन सा राज पूरी तरीके से पेपरलेस बनने के लिए एक राष्ट्रीय ई एक राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया यानी कि जहां पर सारा काम होगा विदाउट पेपर के वह राज्य कौन सा बन गया विद स्टेट बीकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में नेवा कहते हैं शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको हम लोग नेवा कहते हैं नेवा प्रोग्राम टू तो बिकम द कंप्लीटली पेपरलेस अगर आपको याद होगा यूएई का एक शहर है जिसको हम लोग कहते हैं दुबई जो पूरी तरीके से पेपरलेस है जो पूरी तरीके से पेपरलेस था जो पूरी तरीके से पेपरलेस वाला सिटी है दुनिया का एक लौता सिटी है बट यहां मैं पूछ रहा हूँ स्टेट कौन सा है मुझे बताओ जल्दी से स्टेट कौन सा है टू एवरीबडी स्टेट कौन सा है मुझे बताओ जल्दी से स्टेट कौन सा है टू एवरीबडी सभी लोगों को गुड मॉर्निंग सभी लोगों को राधे राधे बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है वह स्टेट हमारा कौन सा हो गया तो याद रखना नागालैंड वह स्टेट हमारा कौन सा हो गया नागालैंड इज द राइट आंसर नागालैंड बिकम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इंप्लीमेंट ई विधान अप्लीकेशन कहते हैं कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है नागालैंड की राजधानी क्या होगी कोहिमा होगी यहां पर याद रखना नेप्यू रियो नेपिय। रियो। नेपिय। रियो बेटा याद रखना यहां के मुख्यमंत्री हैं और याद रखना जगदीश मुखी <coughs> जगदीश मुखी इनके पास एक्सटर्नल जिम्मेदारी दी गई नागालैंड की दिस इज कॉल नागालैंड हमारा ठीक है चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से बहुत अच्छा अगला भी ऑप्शन नहीं है विथ स्टेट हैंडमेड बहुत ही ध्यान से विद स्टेट हैड हैंडमेड हाथों से बना नरसिंह पेट्टई नाग स्वरम को आ, नाग स्वरम को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग अंडर द कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास 15 जरा सोचो यानी एक प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं नरसिंह पेट्टई नागरसंग को कौन से स्टेट ने म्यूजिकल कैटेगरी में जीआई टैग दिया गया है बताओ उस स्टेट का नाम क्या है टू एवरीबडी

नरसिंह गिट पेट नागसोमरा नाम थोड़ा यूनिक है नरसिंह पेट्टई नरसिंह पेट्टई एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ठीक है अंडर द कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में याद रखना तमिलनाडु में तमिलनाडु में याद रखना तमिलनाडु चेन्नई उसको मिला है वहां का जि क्या कहते हैं जीआई टैग मिल गया है ठीक है अगर मैं बोलूं वर्तमान में ऐसे बहुत सारे जीआई टैग है जिनको अलग अलग राज्यों में इसको दिया गया है ठीक है जैसे कहीं का मखाना है कहीं की कालीन है कहीं का कुछ भी है तो जरा एक बार हम लोग गोथरू हो जाते हैं अभी हाल ही में अगर मैं बोलूं अभी हाल ही में याद रखिएगा मोयरा बनाना आजम मोयरा बनानाज और हरमल चिली को याद रखना हरमल चिली को गोवा का जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है नंबर वन ठीक है जुडीमा वाइन जो चावल से बनती है जुडीमा वाइन जो चावल से बनती है उसके लिए आसाम को मिला जीआई टैग याद रखिएगा सोजात महन्दी, सोजात महन्दी हाथों में लगाई जाती है यह राजस्थान की इसको मिला जीआई टैग ठीक है महिदमा स्वीट्स एक तरह से रसगुल्ले की तरह होता है मिठाई होती है जो कि वेस्ट बंगाल का इसको मिला जीआई टैग ठीक है स्वीट कुकुम्बर स्वीट कुकुंबर किसको मिला नागालैंड को मिला जीआई टैग ठीक है उसके बाद अलीबाग के व्हाइट जो ओनियन है प्याज जो अलीबाग व्हाइट ओनियन ये कहा मिला ये महाराष्ट्र का जीआई टैग मिल गया उसके बाद याद रखना वरा कोलम राइस कोलम राइस बहुत अच्छा होता है ठीक है तो इसको कहा मिला पलघर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में उसको वहां का जीआई टैग मिला एंड द लास्ट वन अगर मैं बोलू करोपर कालाकारी पेंटिंग है जो कि कहां पर है तमिलनाडु में इसको यहां कहिए सारे जीआई टैग हैं ये सारे जीआई टैग हैं है बेटा जो बताते हैं कि यह वस्तु यह बेसिकली जो सामान है यह कौन से स्टेट से ओरिजन है ठीक है जो भी इसका बेनिफिट होगा उस स्टेट को दिया जाएगा टू एवरीबडी हम्म बहुत अच्छा वेरी नाइस nice. <coughs> बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आसान क्वेश्चन है प्रमोद सावंत जी पता होगा दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं जहां पर अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए और 40 विधानसभा सीटों में 20 विधानसभा सीटों से ज़्यादा बीजेपी को मिले हैं और बीजेपी ने अपनी वहां सरकार बनाई है आपको बताना है कि प्रमोद सावंत ने दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में वहां पर कारभार संभाला है आपको बस ये बताना है कि गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है पीएस श्रीधर पिल्ले जी हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं सत्यदेव नारायण आर्य है पीपी सिंह बदनोरे हैं या बनवारी लाल पुरोहित है बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा हम्म बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर क्या होगा चलो अब जरा ध्यान से देखो अगर मैं बोलूं कि वर्तमान में अगर मैं बोलूं कि सत्यदेव नारायण जो है वो कहां के हैं तो ये त्रिपुरा के हैं ये कहां के हैं ये त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण कहां पर हैं त्रिपुरा के हैं ठीक है बंदारू दत्तात्र अगर मैं बोलूं यह हरियाणा के हैं यह हरियाणा के हैं यह हरियाणा के हैं और पी एस विल्लई जी अगर मैं बोलूं तो यह गोवा के हैं यह गोवा के हैं यह गोवा के हैं और बनवारी लाल पुरोहित अगर मैं बोलूं यह पंजाब के हैं बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वह पंजाब के हैं मुझे बताओ कमेंट करके अगर आपको याद होगा वी पी सिंह बदनोरे मुझे बताओ कमेंट करके ये कहाँ के गवर्नर हैं ये कहाँ के गवर्नर हैं बताओ जल्द और जल्दी से वीपी सिंह जो है वो कहां के गवर्नर है जैसे अगर मैं बोलूं कि झारखंड जैसे मैं बोलूं झारखंड के गवर्नर का नाम क्या है तो याद रखिएगा रमेश ब्यास जी हैं रमेश ब्यास जी हैं रमेश ब्यास जी हैं झारखंड के गवर्नर रमेश ब्यास जी हैं झारखंड के गवर्नर याद रखना टोटल गोवा में अगर मैं बोलूं टोटल गोवा में याद रखिएगा टोटल गोवा में अगर मैं बोलूं टोटल गोवा में टोटल 40 सीटों के लिए चुनाव हुए थे टोटल 40 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और याद रखना पांच राज्यों में एक, एक साथ चुनाव हुए हैं पांच राज्यों में अगर मैं बोलूं यूपी में चुनाव हुए थे उसके बाद मणिपुर में चुनाव हुए थे है ना उसके बाद गोवा में चुनाव हुए थे उसके बाद उत्तराखंड में चुनाव हुए थे और पंजाब में चुनाव हुए थे अभी हाल ही में पंजाब में भगवंत मान याद रखिएगा अभी भगवंत मान वहां के बने हैं नए मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान कहां के पंजाब के

आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान जी हो गए ठीक है मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से यूपी में वर्तमान में राज्यपाल कौन है यूपी में वर्तमान में राज्यपाल कौन है तो भाई याद रखना आनंदी बे आनंदी पटेल है आनंदी बे पटेल है यूपी में वर्तमान में यह गवर्नर है यूपी की यूपी की गवर्नर है आनंदी बे पटेल है ठीक है चलिए आगे आते हैं अगला अगला क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी से इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बताओ प्रसार भारती जो सो नहीं दूरदर्शन होता है प्रसार भारती ने भी हाल ही में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए समझौता किया कि हम दो दो देश मिल के आपस में टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करेंगे वह देश कौन सा है बताओ ऑस्ट्रेलिया यूके इटली स्पेन या इनमें से कोई नहीं अगर मैं बोलूं प्रसार भारती के बारे में इसकी स्थापना उन्नीस में कर दी गई थी इसका हेडक्वार्टर अगर मैं बोलूं न्यू दिल्ली में है और इसके जो हेड हैं, उनका नाम है शशि शेखर वेम्पाती शशि शेखर वेम्पाती याद रखना इसके प्रसार भारती के हेड हैं प्रसार भारती के बेटा क्या है ये वर्तमान में हेड है नो साउंड नो वॉयस आवाज तो आ रही है मुझे बताओ कमेंट करके क्या आवाज में प्रॉब्लम है मेक मी कंफर्म मुझे बताओ क्या आवाज में प्रॉब्लम है मेक मी कंफर्म हम्म सभी लोगों को राधे राधे सभी लोगों को गुड मॉर्निंग हम्म Okay. <manufacture> noise> <smart> noise> तो याद रखना इसका जो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया इसका जो सही आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोलूं तो यहां की राजधानी यहां की राजधानी यहां की राजधानी कैनबरा है यहां की राजधानी कैनबरा है और यहां के जो पीएम भाई हैं यहां के जो पीएम भाई हैं वो स्कॉट मॉरिसन है स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है यहाँ के पीएम है ऑस्ट्रेलिया के यहाँ के पीएम है ऑस्ट्रेलिया के अगर मैं बोलूँ यूके की राजधानी यूके की राजधानी क्या होगी लंदन होगी इटली की राजधानी क्या होगी रोम हो रोम होगी स्पेन की राजधानी क्या होगी मैड्रिड होगी ठीक है तो याद रखना प्रसार भारती शशि शेखर वेमपाती यहाँ के हेड हैं इसका हेडक्वाटर न्यू डेली में है दोस्तों ठीक है चलिए अगला बताओ जल्दी से बताओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कौन सा देश अभी हाल ही में एशिया कप टी ट्वेंटी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा ध्यान से क्रिकेट की बात हो रही है विच कंट्री विल रिसेंटली होस्ट एशिया कप टी ट्वेंटी टूर्नामेंट कौन सा देश अभी हाल ही में एशिया कप टी ट्वेंटी की मेजबानी करेगा बताओ इंडोनेशिया श्रीलंका थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं बताओ जल्दी से श्रीलंका इंडोनेशिया श्रीलंका इंडोनेशिया थाईलैंड इनमें से कोई नहीं याद रखिएगा इसका जो आंसर हमारा होगा श्रीलंका अच्छा श्रीलंका बहुत कारणों से न्यूज, न्यूज में रहा नंबर वन, अगर मैं बोलूं श्रीलंका में अगर मैं बोलूं श्रीलंका को अभी हम लोगों ने हाल ही में वन बिलियन डॉलर दिया है क्या दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया यानी उधार दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है उधार दिया है ठीक है नंबर दो अभी हम लोग ने हाल ही में है ना अभी हम लोग ने हाल ही में 900 मिलियन डॉलर और 500 मिलियन डॉलर दिया है दो पर्पस के लिए तेल के लिए और फूड के लिए किसको दिया है श्रीलंका को दिया है ठीक है अच्छा इंडोनेशिया में अगर मैं बोलूँ न्यूज में क्यों है तो मुझे बताओ इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या है बताओ इंडोनेशिया की मुझे बताओ नई कैपिटल क्या है नम जल्दी से और पता होगा इंडोनेशिया में ही 2022 का 2022 का G20 का सबमिट भी हो रहा है ठीक है अगर मैं बोलूं थाईलैंड की करेंसी क्या होगी जो हार्ड है तो यहां पर भट्ट चलती है करेंसी यहां पर भट्ट चलती है क्या करेंसी यहां पे भट्ट चलती है क्या करंसी, करंसी. नू संतारा बिल्कुल सही बोला नू संतारा यहां की कैपिटल है 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 बेटा ठीक है चलो आगे चलता हूं नेक्स्ट वन अगला बताओ जरा जल्दी से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन वोमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड इज टू बी ऑर्गेनाइज अभी हाल ही में जितने भी हमारे देश में महिलाएं उद्योगपति हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए भी हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया है वार्ड के माध्यम से वह किसने लिया सिडबी ने नीति आयोग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या इनमें से कोई नहीं बताओ जल्दी से किसने ये इनिशिएटिव लिया बताओ जरा जल्दी से <coughs> तो जरा देखना ध्यान से हमारे देश में जो भी पॉलिसी बनेगा हमारे देश में जो भी पॉलिसी बनेगा उस पॉलिसी को बनाता है कौन है उस पॉलिसी को बनाता है पॉलिसी मेकिंग होता है कौन नीति आयोग कौन है नीति आयोग उसका आंसर होगा नीति आयोग नीति आयोग के हमेशा जो हेड होंगे जो हमेशा हेड होगा वह देश का पीएम होगा देश का पीएम होगा इसकी स्थापना 2015 में की गई थी 2014 मुझे बताओ काउंट कर करके मैं कंफ्यूज कर रहा हूं 14 में या 15 में बताओ नीति आयोग कब बना इसका जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे वो मैं हूं वो मैं हूं राजीव कुमार वो मैं हूं राजीव कुमार ठीक है इसके जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है उनका नाम अमिताभ कांत उनका नाम अमिताभ कांत उनका नाम अमिताभ कान उनका नाम अमिताभ कौन? 1990 में बन के तैयार हो गया क्या सिडबी और इसके हेड हमारे हैं एस रमन जी हैं हमारे देश में जो भी कोई छोटी कंपनियां हैं उनको देखने के लिए सिडबी की स्थापना की गई तो 1990 में यानी इसका काम ही है एम एम को ध्यान देना एमएसएमई को ध्यान देना हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का रेगुलेटर है और साथ में मनी मार्केट को रेगुलेट भी करता है मनी मार्केट को रेगुलेट भी करता है याद रखिएगा मनी मार्केट को रेगुलेट भी करता है बिल्कुल सही है 2014 में नीति आयोग का स्थापना हुई <coughs> इसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है ठीक है अगर मैं यहाँ कुछ डिटेल पूछूं आपसे जरा जल्दी से बता दो मुझे बताओ जरा जल्दी से नंबर वन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मुझे बताओ जल्दी से कब हुई है नंबर दो मुझे बताओ मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी होती है इसमें कितने मेंबर होते हैं मुझे बताओ तीसरा मुझे बताओ जरा जल्दी से अभी वर्तमान में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अभी राइट नो कितना है अब मुझे बताओ चौथा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण कौन से ईयर में किया गया बताओ जल्दी से जरा चारों क्वेश्चन का आंसर बताओ हम्म बताओ जल्दी से इन चारों क्वेश्चन का आंसर अच्छा क्या होगा टू एवरीबडी फटाफट बताओ जल्दी से बताओ हम्म होगा नॉट चौदह पंद्रह बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कब 1935 को बिल्कुल सही बात है 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई इसमें जो मेंबर होते हैं याद रखना इसमें मेंबर टोटल छह हैं कितने मेंबर होते में छह हैं तीन मेंबर इसमें होते हैं कौन जो तीन मेंबर होते हैं जो तीन मेंबर होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और जो तीन मेंबर होते हैं वो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दोस्तों ठीक है अभी वर्तमान में अगर मैं बोलू रेपो रेट राइट नॉ फोर रिवर्स रेपो रेट है 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 रिवर्स रेपो रेट है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो उनचास में हुआ था एक जनवरी एक जनवरी उन्नीस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था हमारे देश में है ना चलिए आगे बताओ इसमें क्या है जरा देखो एमोंग THE OTHER ATHLETES आ, ये क्या है ये क्वेश्चन यहां पे गलत आ गया मिस्टेक है क्या टाइपिंग की ठीक है चलो अगला बताओ जरा जल्दी से सरदार बर्दी मोहम्मदो एक नाम है सरदार बर्दी मोहम्मदो ने कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है अजरबैजान जॉर्जिया उज्बेकिस्तान आर्मेनिया या तुर्की बताओ जरा जल्दी से कौन से देश के रूप में राष्ट्रपति ने भी हाल ही में सम्मान वो लिया है शपथ उनका नाम क्या है टू एवरीबडी बताओ हम्म कौन से देश का हां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑस्बोन स्मिथ एक बात ये भी याद रखना सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे ये भी याद रखिएगा और बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी जो हमारे भूतपूर्व पीएम थे मनमोहन सिंह वो भी कभी आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे ठीक है हम्म इसके करोगे बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा ये रश्मि तो ये तो आसान क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा क्या होगा इज इज द द राइट आंसर राइट आंसर मुझे बताओ जरा जल्दी से इन सभी कंट्री की करेंसी अगर आपको सॉरी कैपिटल अगर आपको याद है तो बताओ जल्दी से इन सभी करंटी की मुझे बताओ जल्दी से कैपिटल अगर आपको याद है तो बताओ जल्दी से बताओ अजरबैजान कैपिटल बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है बाकू बहुत आसान है बाकू बहुत आसान है बाकू, आसान है बाकू।, आसान है बाकू। तो सबसे आसान था जॉर्जिया 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 कैपिटल जॉर्जिया कैपिटल तिबलिसी तिबलिसी क्या कहेंगे तिबलिसी 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 इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया अगला बताओ उज्बेकिस्तान अर्मेनिया उज्बेकिस्तान कैपिटल बहुत अच्छा अरे लगातार न्यूज आ रहा है काश्मीर फाइल के साथ तास्कंद फाइल आई थी एक मूवी ताशकंद फाइल तास्कंद फाइल तास्कंद आर्मेनिया बताओ जल्दी से आर्मेनिया आर्मेनिया कैपिटल ये थोड़ा यूनिक है एरेवन इसको एरेवन कहते हैं क्या कहते हैं एरेवन कहते हैं एरेवन और लास्ट वाला तो बहुत आसान है तुर्केमिस्तान तुर्केमिस्तान कैपिटल तुर्केमिस्तान कैपिटल असगा भट्ट असगा भट्ट 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 देखो कैपिटल और करेंसी हो सके तो हमेशा लिंक करके याद करोगे ना तो आपको ज्यादा डेटा याद रहेगा आप अगर ऐसे याद करोगे कि आज हम याद करते हैं करेंसी कैपिटल तो आपको कभी याद नहीं होगा यह बात हमेशा याद रखना ठीक है तो एवरीबडी ठीक है आसगद यानी एक हो गया हमारा बाकू एक हमारा हो गया तिबलसी एक हमारा हो गया तास्कन एक हमारा हो गया एरिवन और एक हमारा हो गया असगद यानी ये सारे कैपिटल आपको याद रहना चाहिए हमेशा टू एवरीबडी ठीक है चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट वन अभी हाल ही में ऐसा कौन सा बैंक है विच बैंक हैज अनाउंस टू लॉन्च द स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम एंड ऑटो फर्स्ट एप टू गिव डिजिटल पोस्ट टू स्मॉल बिजनेस लोन यानी बैंक ने छोटे व्यवसाय ऋणों को डिजिटल बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है उस बैंक का नाम क्या है कोटिक महिंद्रा बैंक एच डी एफ सी बैंक ये बैंक आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक वॉट इज द राइट आंसर मुझे बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा सभी लोगों को राधे राधे सभी लोगों को गुड मॉर्निंग सेशन पूरा देखना और मुझे लास्ट में बता के जाना कि स्टैटिक आज आपका कैसा रहा ठीक है और अगर आप लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा शाम वाला एक बार जरूर देखना से जाके, बहुत ही खतरनाक सेशन है यूडीसी में, में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहा है मैं दिखाऊंगा वो पेपर में कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आपको बनने चाहिए तो शाम को जुड़ना है सभी लोगों को छह बजे ठीक है टू एवरीबडी हम्म बहुत अच्छा आंसर हमारा क्या हो गया आंसर हमारा हो गया इज़ द राइट आंसर। जरा ध्यान से देखते हैं इसके बारे में, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मुंबई में है बिल्कुल सही बात है इस बैंक की स्थापना कब हुई 1994 में इसकी स्थापना हो गई याद रखना शशिधर जगदीशन इसके सीईओ है इसके हेड नहीं है इसके जो हेड हैं चेयरमैन उनका नाम है अतानु चक्रवर्ती अतानू चक्रवर्ती इसके हेड हैं दोस्तों इसकी जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस याद होगा आप लोगों को मैंने कराया था विस्तारा एयरलाइंस के साथ कौन से बैंक ने कौन से बैंक ने समझौता किया उस बैंक का नाम हमारा एक्सिस बैंक है उस बैंक का नाम हमारा कौन सा होगा एक्सिस बैंक होगा इंडिया में मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से जो भी सिटी बैंक का बिजनेस है मुझे बताओ कमेंट करके जो भी सिटी बैंक का बिजनेस है उस बिजनेस को इंडिया में कौन सा बैंक टेक ओवर करने वाला है उस बैंक का नाम मुझे बताओ जरा जल्दी से नंबर दो याद रखिएगा अभी हाल ही को एशियन अवार्ड भी दिया गया है किस बैंक को उस बैंक का नाम है एसजेपीसी बैंक एशियन बैंक अवार्ड भी मिला है इसी को <coughs> एशियन बैंक अवार्ड भी मिला है किसको उस बैंक का नाम है एच बैंक है हम विनोद कनन बिल्कुल सही बात बोला आप लोगों ने विनोद कनन अगर मैं विनोद कनन विनोद कनन, कनन इसके हेड हैं विस्तार एलेंस के विनोद विनोद कनन विनोध कनन, विनोध कनन इसके हेड हैं बिल्कुल एनडीबी um, नहीं बेटा एनडीबी नहीं बिल्कुल अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के हेड हैं बिल्कुल एक्सेस की स्थापना उन्नीस में हुई थी ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक्सेस की स्थापना उन्नीस में हो गई भाई एक्चुअली एक्चुअली स्थापना नहीं हुई थी नामकरण चेंज किया गया था याद रखना नामकरण चेंज किया गया था तो बिल्कुल सही बात है इसको खरीदेगा कौन याद रखना उस बैंक का नाम है एक्सेस इसको खरीदेगा इंडिया की सिटी बैंक के बिजनेस को ठीक है चलिए अगला ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जरा हराम से बनाना आराम से ठीक है हु एमोंग द फॉलोइंग हैज बिन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू इंडिया बाय प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी पता होगा पिछले छह महीनों से हमारे देश में जो नेपाल का राजदूत वाला जो एम्बेसी है वो खाली थी ठीक है उस एम्बेसी को भी हाल ही में किसने अपॉइंट करवाया है किसको अपॉइंट किया गया उस पद पर वहां के राष्ट्रपति जो नेपाल की इनका नाम है नेपाल विद्या देवी भंडारी जी ने ठीक है, है? निम्नलिखित में से किसे नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा भारत में राजदूत के रूप में दोबारा नियुक्त कर दिया गया है उसका नाम क्या अतुल कश्यप शंकर प्रसाद शर्मा जी नीलांबर आचार्य जी अजय बिसारिया जी इनमें से कोई नहीं बताओ उनका नाम क्या है जो हमारे देश में नेपाल की तरफ से अम्बेसडर रहेंगे राजदूत रहेंगे उनका नाम क्या है हम्म बेटा गुरुपेश सिंह जी सभी लोगों को नमस्कार सभी लोगों को गुड मॉर्निंग पूरा सेशन देखने के बाद ही आज आराम करेंगे हम लोग ठीक है देखो फुल फॉर्म भी विशाल ने दे दिया हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी बात विशाल संग प्रसाद शर्मा संग प्रसाद शर्मा जरा देखते आंसर क्या होगा याद ध्यान देखना पहले थे ये याद रखे ना पहले थे नीलांबर आचार्य पहले कौन थे नीलांबर आचार्य और वर्तमान में कौन है वर्तमान में कौन है तो उनका नाम है शंकर प्रसाद शर्मा अगर मैं नेपाल के बारे में बोलूं, तो एक बात तो जरूर याद रखना इसकी राजधानी काठमांडू है इसकी राजधानी काठमांडू है और यहाँ के राष्ट्रपति इनका नाम देवी भंडारी है अभी पता होगा कि न्यूज आई थी पिछले साल बजट में कि यहां पर भूकंप से यहां पर भूकंप से बहुत सारे स्कूल ढह गए थे तो इंडिया ने कहा है कि हम नेपाल में छह स्कूल बना के देंगे यानी कि जो भी छह स्कूल की मरम्मत होगी जो भी कॉस्टिंग होगी वो भारत गवर्नमेंट देगी नेपाल को। नेपाल को की राजधानी क्या होगी काठमांडू मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके मजा आ जाएगा कि वर्तमान में नेपाल के पीएम कौन है मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से वर्तमान में नेपाल के पीएम कौन है मुझे बताओ इंडिया नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उस एक्सरसाइज का नाम क्या है बताओ जल्दी से हम्म सूर्य किरण बहुत अच्छा वेरी नाइस सूर्य किरण याद रखिएगा सूर्य किरण बिल्कुल ठीक बोला आपने सूर्य किरण एक एक्सरसाइज होती है जो हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण पीएम का नाम बताओ मुझे जरा जल्दी से आंसर क्या होगा रुपीज यहां करेंसी चलती है पीएम का नाम बताओ जल्दी से कि हु पीएम ऑफ नेपाल बताओ नेपाल प्राइम मिनिस्टर नेम बताओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा शेर बहादुर जी शेर बहादुर जी जो शेर बहादुर हैं शेर बहादुर है ना शेर बहादुर शेर बहादुर जी याद रखना नेपाल के वर्तमान में क्या है दोस्तों पीएम है नेपाल के वर्तमान में दोस्तों क्या है पीएम है ठीक है नीलांबर आचार्य पहले थे शंकर प्रसाद शर्मा भी वर्तमान में है ठीक है चलिए आगे बताओ आसान है क्वेश्चन हुयर मेल अवॉर्ड एट दवार्ड में चुना गया निम्नलिखित में से किसे दो हजार बाईस स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम क्या है नीरज चोपरा प्रमोद भगत आरिफ खान रुपेंद्र पाल सिंह इनमें से कोई नहीं बहुत ही आसान क्वेश्चन है गलती मत करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है गलती मत करना और इसी क्वेश्चन का आधा पार्ट हमारा पहले क्वेश्चन में आ गया था जो मैंने नहीं क्रॉस किया था बहुत अच्छा दीपक जी ने बिल्कुल सही बोला आंसर हमारा नीरज चोपड़ा होगा जरा ध्यान से इसको हम लोग जरा पूरा देख लेते हैं ठीक है इसमें आया था ना पीछे अभी पीछे लास्ट में कहा था अभी हम लोग ने देखा था ना पीछे हम्म जरा ध्यान से देखो दिस वन जो बाकी अवार्ड थे ना जो बाकी अवार्ड में देखो किसको किसको मिला जरा समझना एमोंग अदर एथलेटिक्स में जरा समझना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सिनी विल्सन करमान महेश्वरी लवलीना बोरगहन मानसी जोशी प्रणति नायक सिमरनजीत कौर एंड अदर वोमेन डिफेंस ऑफिसर को चुना गया डब्ल्यूटीआई ग्रांट वुड बी गिवेन टू सेवेंटी फाइव वोमेन अचीवर टू सेलिब्रेट दियर कमिटमेंट टू द सस्वत और सम्मान भारत ये तो हो गया था यह हो गया था ये हो गया था हम्म हाँ। देखिएगा जरा ध्यान से जो मेल था वो तो नीरज चोपड़ा हो गया अब जरा हम लोग और भी डिटेल को देख लेते हैं ठीक है जरा देखना जो अदर अवार्ड्स हमारे हैं जरा ध्यान से स्पोर्ट्स वोमेन ईयर इंडिविजुअल में किसको मिला लवलीना बोरगोहन को मिला ये इंपॉर्टेंट इसको जरा याद रखिएगा ठीक है इंडिविजुअल में स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ दस को मिला उसके बाद तो फीमेल में ठीक है स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड किसको मिला प्रमोद भगत जी को ठीक है टीम के लिए याद रखना है स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर टीम स्प्रिट की बात करें तो याद रखना सविता हॉकी में मिला इनको इनको किस में मिला हॉकी में मिला रुपिंदर पाल सिंह स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड टीम स्पोर्ट्स मिला किनको रुपिंदर पाल सिंह को आरिफ खान जी को क्या मिला स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला आरिफ खान को एंड फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम कैप्टन जिनका नाम है अजीत पाल सिंह अजीत पाल सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इसको याद रखना है सारे लोगों को बहुत ये इंपॉर्टेंट है टू एवरीबडी बेटा प्रशांत चौहान जी आप शाम वाला क्लास देखना स्टार्ट कर दो ठीक है शाम को छह बजे उसका मेरा टारगेट ही है एम और साथ में एस में दोनों करवा रहा हूं शाम को छह बजे ठीक है शाम को छह बजे प्रशांत चौहान जी बिल्कुल शाम को छह बजे मुलाकात करिए मेरे साथ टू एवरीबडी शाम को छह बजे और डेली सम कल से जगह करो सुबेरे छह बजे डेली जगना देखो तो मैंने क्लियर किल्या, मैं क्लियर बोल रहा हूं जरा समझना दोस्तों जिनको ये लगता है कि भाई हमने यूडीसी का एग्जाम दे दिया अब आराम करे सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हैं दोस्तों सामने एसएसओ का एग्जाम है सामने याद रखना यूडीसी का मेंस का एग्जाम है सामने एमटीएस का एग्जाम है और सामने ए भी है चार एग्जाम सामने करो तब भी अगर आराम करोगे तो जिंदगी आपको आराम करवा देगी गारंटी याद रखना तो आराम नहीं करना सामने चार बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके सामने हैं टू एवरीबडी तो जैसे आप लोग मेहनत कर रहे थे तो उसी तरह मेहनत करते रहो जब तक देखो मेरे मेरा एक ही मानना है <laughs> आप कितने टैलेंटेड है मैटर अगर जॉब हो गई तो टैलेंट है और अगर जॉब नहीं हो गई तो मां बाप भी नहीं पूछते एकदम रियलिटी फैक्ट में बता रहा हूं एकदम क्लियर एकदम अगर जॉब हो गई तो लोग यही कहेंगे अरे बहुत अच्छा सबेरे उठता था बहुत मेहनत करता था लेकिन अगर जॉब नहीं हुई तो कहेंगे भाई टाइम पास करता था यह रियालिटी है, है इसलिए जो रफ्तार आपकी थी मेहनत की उस रफ्तार को बरकरार रखना है लगातार ठीक है उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं चलिए आगे चलता हूं नेक्स्ट वन अभी मैंने आज स्टैटिक भी शामिल किया लास्ट में ठीक है अभी मैं स्टैटिक भी कराऊंगा ध्यान से स्टैटिक को फॉलो करना है अगला क्वेश्चन है हु एमोंग हु एमोंग द फॉलोइंग हैज वन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जरा ध्यान सुनिएगा हु एमोंग द फॉलोइंग वन मेंस सिंगल टाइटल ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 निम्नलिखित में से किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता उनका नाम क्या बहुत ही प्यारा यानी कि इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में मेल का खिताब किसने जीता डोमिनिक थीथम ने जीता एंडर्स एंटोनस ने जीता विक्टर एक्सलिन ने जीता एलेक्सेंडर ने जीता या पंचो गोजाल बताओ इसका आंसर क्या होगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों और उम्मीद मुझे पूरा है कि आप गलत करोगे इसका आंसर हमारा होगा सी यानी कि विक्टर भाई ने जीता है किसने जीता है विक्टर भाई ने जीता है यानी कि याद रखना इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन विक्टर भाई ने जीता है मेल वाला जरा समझ लेते हैं ठीक है ठीके? अगर मैं पूछूं कि वोमेन का कौन जीता सिंगल में तो जरा समझना जापान की है यामागुची नाम है यामागुची जो फीमेल है जापान की उन्होंने जीता है फीमेल का ठीक है उसके बाद याद रखना मेंस का डबल का खिताब याद रखना मोहम्मद सोहबुल फिक्री मोहम्मद सोहबुल फिक्री फिक्री एंड बैगास मौलाना जो कि इंडोनेशिया के उन्होंने जीता मेंस के डबल का खिताब जीता वोमेंस में जो डबल का खिताब जीता वो किसने जीता याद रखना मत नामी एंड सीधे चिराडू जो कि जापान की है दोनों जापान की दोनों जापान की है वोमेन में डबल में दोनों जापान की वोमेन में डबल में दोस्तों दोनों जापान की है वोमेन में, में, में डबल में और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्स डबल टाइटल यूता वतन वे यूता वतन वे यूता वतन एन एरिसिया सीनो जापान जरा मैं फिर से बोल रहा हूं महिला में जीता किसने आकारा जापान ने मेंस में कितने जीता दोनों मुसलमान है मोहम्मद सोहेबुलिक्री और बगास मौलाना इंडोनेशिया के दोनों ने मिल्स में डबल में जीता ठीक है में में डबल में किसने जीता तो नामी और चिहारू जापान की है उन्होंने जीता और जो मिक्स डबल होता है मेल फीमेल का अगर मैं बोलूं वतनबे और अरिसिया दोनों ने जीता जापान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू एवरीबडी याद रखना ठीक है हम्म बहुत अच्छा वेरी नाइस चलिए एक और अवार्ड है बहुत ही प्यारा सा जो उसके साथ ही साथ में हुआ है ठीक है हम लोग जरा उसको भी याद करते हैं अभी हाल ही में बीएनपी एनपी पैरिबस ओपन याद रखना टेनिस का ही बहुत बड़ा यह टूर्नामेंट है इसमें भी कुछ अवार्ड्स अभी दिए गए हैं ठीक है जीते हैं अगर मैं बोलू महिला में कौन जीता तो ईगा स्वेटिक जो पोलैंड की उन्होंने जीता पुरुष में कौन जीता टेलर फिट्स जो कि अमेरिका के उन्होंने जीता महिला उगल में कौन जीता जियो इफान और यांग जाहोन उन्होंने जीता और मेंस डबल में कौन जीता जॉन एसनर और जैंग सॉक ने ये मैं कल सुबेरे छह बजे के पहले पूछूंगा याद रखना ये आज का टास्क आप लोगों का याद होना चाहिए सभी को जहां भी बैठ के पढ़ाई करते हो वहां कॉपी पेस्ट को लिख लो तभी याद होगा हम्म बेटा सौम्या तोमर जी बिल्कुल मैं मानता हूं दो तीन दिनों से मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाया था बट याद रखना टेलीग्राम पर मेरी पीडीएफ लगातार पीडीएफ मिल रही होगी हाँ, हो टू एवरीबडी को ठीक है बाकी मैं ऐप अपलोड करवा दूंगा ठीक है अगला अभी हाल ही में याद रखना बांग्लादेश के फॉर्मर राष्ट्रपति जिनका नाम है जिनका नाम है साबुद्दीन अहमद साहबुद्दीन अहमद पूछे गए एग्जाम में कौन थे जिनका निधन हुआ ये बांग्लादेश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अगर मैं बोलूं यहां की राजधानी ढाका है सॉरी हाँ बिल्कुल यहां की करेंसी टका है और अब्दुल हामिद यहां के क्या कहते हैं राष्ट्रपति हैं और यहां की शेख हसीना जी हैं वो यहां की क्या है प्राइम मिनिस्टर हैं मुझे बताओ अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले बांग्लादेश इंडिया के बीच में एक ट्रेन चलाई गई थी उस ट्रेन का नाम क्या है बताओ जरा जल्दी से hmm. Sir, हम प्राइवेट जॉब करते हैं ओ माय गॉड भाई दीपक जी ने कहा कि सिर्फ तीन घंटे सोना भी बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी नाइस nice यार बट सारी बुक लर्न मत करो आपने एग्जाम का अटेंड देखा ना एक बुक पूछता है तो सारी बुक मत पढ़ो जो बुक्स लगातार चर्चा में बस उनको एक बार रिवाइज कर लो ठीक है जो बुक चर्चा में बस आप उनको एक बार रिवाइज कर लो टू एवरीबडी है ना चलिए स्टैटिक बूस्टर स्टार्ट हो गया और ये पहला क्वेश्चन है साइंस का ब्लड से मुझे बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बताओ जरा देखिए साइंस भी आपको आता है कि नहीं बताओ जरा जल्दी से साइंस का क्वेश्चन याद होगा रक्त के बारे में डब्ल्यू बी सी वो कराते हैं, कराते हैं रक्त में तो दिखता है WBC कितना है बॉडी में बताओ द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूसी कितना अनुपात तो होना चाहिए एक 600 सौ छ सौ एक नौ सौ या पांच सौ एक बताओ इसका आंसर क्या होगा यह क्वेश्चन एनडीबीसी में भी पूछा गया था बताओ जल्दी से हम्म एक बार जरा देखना मैत्री है कि मेताली है एक पुल है और एक ट्रेन है हम्म चलिए तो इसका सही जवाब बेटा क्या है याद रखना 601 का अनुपात होता है ब्लड का ठीक है याद रखना जो आरबीसी होती है 600 होती है डब्ल्यू जो होती है वो एक अनुपात होता है तभी ब्लड सर्कुलेट सही से करता है ठीक है अगला दिल्ली बीकम द कैपिटल ऑफ इंडिया क्योंकि पता होगा पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी तो दिल्ली राजधानी कब बनी 1911 में 1912 में 1910 में 1905 में, में, में बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा दिल्ली है दिल वालों की तो याद रखना 1911 में दिल्ली को बना दिया गया भारत की राजधानी है ना भारत की राजधानी दिल्ली चलो अगला अगर कोई भगवान न करे बाल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है लुकोडर्मा हाइड्रोफोबिया हाइपरटेंशन या अर्थराइटिस बताओ बहुत ही आसान क्वेश्चन दिमाग से बनाओगे तो बन जाएगा अर्थराइटिस घुटनों में होता है हाइपरटेंशन, हाइड्रोफोबिया या लूकोडरमा कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है बताओ जरा जल्दी से कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है nei? वॉट इज द राइट आंसर वॉट इज द राइट आंसर तो याद रखना ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है जो आपको कुत्ते के काटने के कारण होती है हाइड्रोफोबिया अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है अभी वर्तमान में ओम बिरला साहब लोक स्पीकर के लोक सॉरी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब आपको बताना है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है अभी कौन है अभी ओम बिरला साहब है अभी ओम बिरला साहब लोकसभा के स्पीकर हैं याद रखना और जो राज्यसभा होता है जो राज्यसभा होता है तो जो भी देश के उपराष्ट्रपति होते हैं जो भी देश के उपराष्ट्रपति होते हैं जो अभी वेंकैया नायडू जी हैं याद रखिएगा वही होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ठीक है बताओ इसका आंसर क्या होगा तो जो भी लोकसभा के मेंबर हैं वो मिलके चुनते हैं जो भी ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा है वो मिलके चुनते याद रखिएगा लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं क्योंकि उसको समय से पहले आप विघटन कर सकते हैं डिसॉल्व कर सकते हैं और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं क्योंकि उसको समय से पहले आप डिजोल्व नहीं कर सकते हैं ठीक है हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो समर्थन वापस ले, ले लेंगे कभी ये राज्यसभा में नहीं होता है ठीक है अगला किस राज्य में सबसे ज्यादा अधिक बंजर भूमि है जहां पर लैंड फर्टाइल नहीं है वह राज्य कौन सा होगा यूपी है बिहार है राजस्थान है या पंजाब है बताओ जल्दी से उसका नाम क्या होगा हम्म वेंकैया नायडू बेटा बिल्कुल वेंकैया नायडू वी ए एन के हम्म तो उसका आंसर हमारा क्या होगा राजस्थान इज द राइट आंसर ठीक है अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद अस्सी के अनुसार राज्यसभा की संभावित बैठने की क्षमता 250 सौ पचास जिसमें याद रखना दो सौ अर्त, के लिए चुनाव होते हैं और 12 को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति हमारा ठीक है अगर मैं बोलूं कि वर्तमान में कितने सीटें हैं तो याद रखना वर्तमान में 245 एक्टिव हैं वर्तमान में 245 सौ अभी राइट नो क्या है दोस्तों एक्टिव हैं 250 मैक्सिमम हो सकते हैं यह बात याद रखिएगा सारे विद्यार्थी ठीक है अगला बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी बिछेंद्री पाल अरुणिमा सिन्हा प्रेमलता अग्रवाल या मालावत पूरा उनका नाम किया था बताओ जरा जल्दी से हम्म पहली महिला कौन थी मैंने पहली भारतीय महिला नहीं पूछी है बेटा रश्मि टोटल 250 हो सकते हैं मैक्सिमम 250 हो सकते हैं बट वर्तमान में 245 थे अभी है ना तो जरा देखना ध्यान से पहला पूछा है मैंने तो पहला आंसर हमारी क्या होगी पहली बछेन्द्री पाल है ठीक है चलो अगला पंचायती राज पहली बार किस राज्य में शुरू किया गया था बिहार राजस्थान पंजाब या हरियाणा पंचायती राज भारत में पहली बार कब शुरू किया गया था कौन से स्टेट में बिहार में राजस्थान में पंजाब में या हरियाणा में कहां पर स्टार्ट किया गया था टू एवरीबडी हम्म तो आंसर यहां पर क्या होगा राजस्थान होगा ठीक है अगला भारत बिल भुगतान प्रणाली जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं बीपीपीएस याद रखना एक अप्रैल 2001 एक से इसने नया सेटअप स्टार्ट किया है टू रन द भारत बिल पेमेंट सिस्टम बिजनेस आपको बताना है कि एनबीबीएल इज ए होली ऑन सब्सिडी किसकी है तो याद रखना हमने क्या सिखाया था इंडिया में आप किसी भी मीडियम से अगर पेमेंट करते हो कुछ भी गूगल पे फोन पे गूगल पे पेटीएम कुछ भी करते हैं याद रखना उन सभी को हमारे देश में एनपीसीआई सुपरवाइज करता है रेगुलेट नहीं करता एनपीसीआई सुपरवाइज करता है तो आंसर यहां पर क्या होगा आंसर में आ रहा होगा एनपीसीआई इज द राइट आंसर एनपीसीआई इज द राइट आंसर ठीक है चलो अगला मनोहर पारिकर ठीक है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ एक बुक का नाम है मनोहर पालिकर जो कभी मुख्यमंत्री भी थे गोवा के हमारे रक्षा मंत्री भी रहे थे मनोहर पारिकर के ऊपर एक बुक है ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ इसको किसने लिखा नितिन गडखली ने शिव अरोरा ने शैलेंद्र जोशी ने आर एन काव ने रजत सिंह ने बहुत प्यारी बुक है तो इस बुक को लिखा है किसने ये मैंने क्यों कराया क्योंकि अभी गोवा में चुनाव हुए हैं इसलिए मैंने इसको कराया नितिन गोखले जी ने इसको लिखा है ठीक है और मैंने कल होमवर्क दिया था कि आपको बताना इन सारे संस्थाओं का हेडक्वार्टर कहां पर है तो याद रखना इन सभी की बात करें तो याद रखना सबसे ऊपर हमारा कौन सा है यूनाइटेड नेशन इन्वायमेंट प्रोग्राम जो कि कहां पर है केनिया नरोबी में है इंटरनेशनल सिविल एविएशन कहां पर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो अगर मैं बोलूं लगातार न्यूज में है बेल्जियम ब्रसेल्स में है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ब्रसल्स बेल्जियम में है यूरोपियन यूनियन लगातार चर्चा में है दोस्तों बेल्जियम ब्रसेल्स में है और एडीबी तो बताइए होगा सभी लोगों को मनीला फिलीपींस में है ये सभी लोगों का सही होना चाहिए और मैं बहुत दुखी हूं कि बहुत लिमिटेड लोगों का सही हुआ है जरा देखिए शिल्पा सोनी सूफिया फारूक श्री चौधरी एंड लासन अभिषेक ठाकुर जी का भाई सही हुआ यहाँ पर और भी नाम हो सकते हैं एवरीबडी ठीक है ये सभी का नाम हो सकता है यहां पर और यह रहा आज का क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना अभी हाल ही में 75 फाइव ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड दिए गए हैं बाफ्टा आपको बस बाफ्टा से रिलेटेड कुछ टर्म्स को बताने हैं इसमें किसको दिया गया बेस्ट फिल्म बेस्ट ब्रिटिश अवार्ड किसको दिया गया बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया एक्ट्रेस मोस्ट अवार्ड के लिए कौन नॉमिनेट हुए और किसको स्वयद अवार्ड मिले और ये आंसर कहां दोगे वीडियो के नीचे जाके लास्ट में कमेंट करके टू एवरीबडी ठीक है आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया थैंक यू टेक केयर ब बाय और रेडी हो जाओ अगली क्लास होने की अगली क्लास होगी हमारे आर के तो सर की एटोरे की क्लास बहुत ही शानदार क्लास लेके आए हैं सर हमारे ठीक है तो सभी लोगों को थैंक यू टेक केयर अपने काउंट मुझे जरूर करिएगा कमेंट जो करना कंपलसरी है मुझे लास्ट में बताना भी कि कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए टू एवरीबडी ठीक है सभी लोगों को नमस्कार सभी लोगों को थैंक यू टेक केय बाय